खान साहब बुजुर्ग औरत ते बच्चियां नू गिरफ्तार करना था साडे सिद्धांतां दे खिलाफ है। की ओना ने सरहंद चा के कोई बगावत कीती? ओना दा कसूर की है? ओना दा कसूर है कि ओ बागी गोबिंद दी मां ते उस दे बच्चे ने उस बागी गोबिंद ने साडी नक विच दम कर रख्या है। मैं उस नू गिरफ्तार करन लई उस दे परिवार नू हिरासत विच लिया है। पर ध्यान रहे बच्चा ते मां उत्ते कोई आंच नहीं आनी चाहिदी। जेकर कोई ऊंच नीच होई ता सानू मजबूरन हरफिया बयान दा दस्तावेज दिल्ली भेजना पवेगा। काजी साहब कुछ करो। पर मेरे हत्था विच कुछ ता दियो। बागी उना दा बाप है, बच्चे ता नहीं। जो मैं उना दी सजाए मौत दा फतवा तुहाडे हत्था विच रखदा। ऐ मौका मैं हथों नहीं जान देना चाहुंदा। इको तरीका है, ना थानू फतवा लैन दी लोड़ पवेगी ता ना मैनू देण दी। ते तुसी गोविंद तो भी अपना बदला लै पाओगे। ओ किदा? जेकर बच्चियां तो साडा धर्म कबूल करवा लिया जावे ता। जदों उस दी औलाद ही साडा मजहब कबूल कर लवेगी ता उस गुरु लई इस तो वड्डी कोई होर हार हो नहीं सकती। पर मैं अपने बच्चा नाल क्यों नहीं जा सकती? बेकार दिसत ना करो माता जी, सानू जिवें हुक्म होया असी तो ओवें कर रहे हैं। चलो चलो, तुसी क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? बच्चा नू नाल लेके चलो। हाँ साहेब, जो करना है वो सोच लिया। तुसी वेखना जिवें तुसी चाहुंदे सी ओवें ही होवेगा। वड्डा दरवाजा बंद ते छोटा खुलिया। सपाही बच्चियां नू लेके इत्थे आ रहे ने। साडे सपाही सिर चुका के दरबार चाहुंगे। बच्चे भी उन्हां दी नकल करनगे। हिंद दे पीर दे बच्चे सुबह ही सरहंद नवाब वजीर खान दे सामने आउंदे सार सिर झुकाउणगे। सरहंद दे नवाब वजीर खान दा दरबार है। इत्थे कोई भी बंदा आके किसे भी गुरु दी फतेह नहीं बुला सकता। चलो बच्चियो, नवाब साहब कोलो माफी मंगो। त्यादव नाल सिर चुका के सलाम करो। असीं वाहिगुरु विच ही यकीन रखदे हां, ओसे परमात्मा अगे झुकदे हां जो आत्मा दे रूप विच हर किसी दे अंदर वसदा है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਾਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪੇ। ਕਾਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਗਾ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨ। ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਚਾਰੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹਲੇ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਮਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ
की लोकी वेख के अपनी मर्जी नाल चुक के सलाम कर देने। जेकर थोड़ा भी कदे उन्हां नाल सामना हो गया तो थोड़ा सिर भी अपने आप उन्हां अगे चुक जाएगा। की होया खान साहब? गुरु पिता दे दर्शन होए लगदे ने। खामोश। बच्चियो हुन तुसी साडे कोल रहो, मैं वादा करता हां कि तुहाडी हर जरूरत पूरी कीती जावेगी। वैसे भी हुन तुसी जाओगे किथे? शायद तुहानू पता नहीं आनंदपुर उजड़ चुकिया है। तुहाडे गुरु पिता नू असी फड़ लैणा है। तुहाडे दोनों वड्डे भरा अजीत ते जुजार चमकौर दी लड़ाई च मर जा चुके ने। थोड़ा की यकीन करना, थोड़ी तां नीयत ही ठीक नहीं है खान साहब। बिना किसी जुर्म सानू बुर्ज विच कैद किता होया। खान साहब ठीक कह रहे ने बच्चियो, इना दा धर्म कबूल करो, नहीं तो अपने भरावां दी तरह मारे जाओगे। साडे धर्म ने सानू मरना पहला सिखाया, इसलिए सानू मौत दे डरावे ना दियो। बच्चियो मौत दी नहीं, जिंदगी दी गल करो, तुसी जो चाहोगे ओही मिलेगा। रहन लई ऐशो आराम ते महल राजकुमारा दी तरह ठाट बाट। जेकर मैं कुछ भूल गया होवा तो तुसी मैनू याद करवा देना है। याद दिलाऊंगा, ओ याद दिलाना जेड़ा मेरे दादा जी गुरु तेग बहादुर जी ने कहा सी ओना कश्मीरी पंडितां नू जिन्हां नू ओना दे धर्म परिवर्तन लई मजबूर कीता जा रहा सी। दादा जी ने कहा सी ओना जालमां नू कहो पहला गुरु दा धर्म बदलो, जेकर गुरु ने धर्म बदलिया ता तुसी सब भी खुशी खुशी धर्म बदल लोगे। हां हां याद है। तबेर जिन्हां दे दादा जी ने किसी दा धर्म बचाउण लई अपना शीश दे दित्ता, तुसी ओना दे पोतियां नू अपना धर्म कबूल करन लई कह रहे हो? सोच लो किते कोई गलती तां नहीं कर रहे? उसे दी विधवा मतलब तुहाडी दादी हाले जिंदा है, हुण की करना है? जाओ उस नाल जाके सलाह करो, कल तक दी मौलत है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।